उन्होंने इस जगह को कैंपिंग साइट डिक्लेयर की, क्योंकि अमजद साहब तो खुश नजर नहीं आ रहे, इसका उन्हें काम नहीं हुआ अभी तक। तो अमजद साहब ये जो है ना एग्जैक्टली अल्लाह का एक नाम है अल मुसव्विर। दाम दे निकले दरवाजा जी जोड़ा पे जुंगड़ा पग जंगल की है ना राजा बला का ना यार मेरे ना सच्ची कंट्रोल के ना जी जी हम महल मुनासिबत से आती और कोटे के वाला जल ले जी 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 तभी से हम से लावेलार दे तैयार है शमशा का अच्छा सा जी हम ओ दुनिया की रोशनी नूर द अली दे पुमाशार की बदशाही व कुरान के अवाल भी कुर्द अलीद कद इलम ला कवल द चा पकारवी व दुनिया की अवाल भी कुर्द अलीद द हवा वने ओब रो रोज रंगीगी दहवा वने ओब रो रोज रंगीगी वर्ता जीर शासे पा आतवाड़ा द अली दे ज आशिक हुसैन खुद कडे खुशालियां मुश्किल कुशाद मुइमाम अली दे। हवान साहब अब जरा कुछ बताएं ना इस जगह के बारे में। ये इम्तियाज भाई इस तरह है कि हमारे मुकामी इश्लावजान के जो वो है मैंने आपको उधर बताया उन्होंने इधर ये एक छोटा सा ज़ियारत बनाए हैं और इसके साथ इधर झूठी भी जो लोग आते हैं इधर कुकिंग वगैरह करते हैं और इधर ज़ियारत में बारिश वगैरह उसे भी अपना वो कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो इधर पहले ज़ियारत नहीं था, ये अभी मुकामी लोगों ने इस ज़ियारत की भी तमीर कराई है लैला बाग में। अच्छा पहले हमने तमीर किया है मैं टूरिस्टों के लिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे छुप सकते हैं, वहाँ पे खाना भी बना सकते हैं, मतलब एक फैसिलिटी है। फैसिलिटीज है क्योंकि ये तो जंगल है, इधर कुछ भी नहीं है ना सारे। देखो आप अगर आप इस गिर्द भी देखो ये कुकिंग नहीं है। हाँ आकर यहाँ पर बैठा है उनकी जगह पर उन्होंने तबरुक के लिए पत्थर को वो ज़ियारत वो बनाई है, उसको ज़ियारत की एक शक्ल दे दी है। अच्छा अच्छा सर जी आप पहले आए थे यहाँ पर? मेरा तो कुर्म एजेंसी के साथ जो है ना वो बचपन का ताल्लुक है 1992 से। अच्छा लेकिन यहाँ मैं नहीं आया हूँ, लेकिन यहाँ की खुशबुएं और हवाएं और फिजाएं रूह में रची बसी हैं, इसलिए ये मुझे जो है ना कोई पराया देश नहीं लगता, हमेशा से अपना अपना लगता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह जी। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आई, यहाँ पे एक किस्म के दरख्त हैं और उधर दूसरे किस्म के दरख्त हैं, ये क्या चक्कर है? ये आपको यूसुफ से अब ये नेचर से पूछना पड़ेगा कि इस तरह के क्या क्यों हुआ इस तरह। ये जो है ना एग्जैक्टली अल्लाह का एक नाम है अल मुसव्विर, तो वो आपको बताता है अपने जो है ना कुदरत बताता है कि मैंने कितने रंग दिए इंसानों को, कितनी जाओ मुसखर करो मेरे कायनात को। दरख्त हैं, चरिंद परिंद हैं, आसमान में अपने रंग हैं। आप कभी कभी जब स्काई को देखेंगे ना तो उसमें बादल का ब्रश यूं फेरा होता है जिस तरह मुसफर ने फेरा होता है, तो ये अल्लाह की रंगारंगी है। जिस तरह हजरत अली ने फरमाया था कि आप जितना कायनात पर जो है ना गौर व फिक्र करेंगे उतना आप जो है ना रब के ज्यादा करीब होते जाएंगे,
तो आप खुद सोचें अब ये कितना खूबसूरत दरख्त है, या हमने ये जो पत्तियां हैं इसमें कितनी ब्यूटी है, अल्लाह ने कितना जो है ना रंगारंग बनाया है इस कायनात को। जी बिल्कुल, मुझे भी काफ़ी हैरत हो रही थी जब अगर आप 10 मीटर उस साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे टोटली डिफरेंट स्पीशीज के दरख्त हैं और इधर फिर टोटली डिफरेंट है। हालांकि ये सब नेचर ने किसी ने लगाया नहीं है, टेरेन रखा है, मतलब मौसम है और आप देखे सहरा है, दरिया है, इस तरह पहाड़ी इलाके हैं, कोहिस्तान है, तो किसी चीज की कमी नहीं है। बस हमारी तो ये दुआएं है और कल हम आप भी बैठ के यही कह रहे थे कि अल्लाह करे ये मुल्क जो है ना कभी भी जो है गुलाम ना हो और अल्लाह इसको हमें तरक्की दे और इन लोगों आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक है। बड़े अच्छे लोग हैं। यहाँ पे कोई तरक्की का प्रोग्राम है इस स्पॉट के लिए? इस स्पॉट के लिए जो हमारे अमजद भाई हैं इनके साथ टूरिज्म के जो डायरेक्टर हैं जी जी फाटा के, अच्छा, वो यहाँ आए थे और यहाँ उन्होंने सर्वे किया था। तो कोई अच्छा रिजल्ट निकला कि नहीं सड़क? सर इस तरह की अमजद भाई के साथ जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की टीम आई थी उन्होंने इस जगह को कैंपिंग साइट डिक्लेयर किया, क्योंकि अमजद साहब तो खुश नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब काम नहीं हुआ अभी तक। तो अमजद साहब इस तरह की इसको आजकल एक कॉन्सेप्ट बड़ा डिवेलप हो रहा है ना टूरिज्म का भी। जी जी, टूरिज्म में ये कि फॉर एग्जांपल आपको पता है आज के लिए पोल्यूशन वगैरह ज्यादा हो रही है और इधर ये सामने आपने पहाड़ देखे उसमें बर्फ है, तो जितना आप रोड्स बनाते हैं वैसे ना तो लोग क्या करते हैं, तो उससे जाहिर बात है कार्बन एमिशन भी है तो आलूदगी वगैरह ज्यादा होती है। अब एक कॉन्सेप्ट ये पकड़ रहा है कि यार आप रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म करें। अभी रिसेंटली हमारे मतलब मानसेरा वगैरह में इको फ्रेंडली एग्जैक्टली। अब उससे ये कि अगर इधर आप सड़क बनाएंगे तो ये आप अगर कैमरा यू पैन करेंगे तो हम इर्द गिर्द दरख्तों से गिरे हुए तो आपको यू हैव टू कट अ लॉट ऑफ ट्रीज बाकायदा वो काम शुरू है। और खासकर जो गिलगित के लोग हैं उधर वो आगा खान फाउंडेशन वगैरह ने बड़ी अवेयरनेस की है लोगों में, तो वो ये कहते हैं कि यार अगर कोई चाहता है कि वो कोई अच्छी जगह में टूरिज्म करे तो उसके लिए अपने गैजेट्स होते हैं, वो पैदल जाए और ट्रैक पे जाए बजाय ये कि वो गाड़ियों में जाए। तो ये अभी कॉन्सेप्ट डिवेलप हो रहा है इस गवर्नमेंट में। एक बात है कि इन्होंने टूरिज्म पे काफ़ी फोकस किया है और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है टूरिज्म और हर किस्म का टूरिज्म। उसमें मैं आपको बताऊं कि मतलब उसमें एक रिलीजियस टूरिज्म भी एक नाम है, मतलब अब ये ज्यारत है या मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो है ना हिंदू भाई सिखों के जो है मंदिर हैं हिंदू भाइयों के, तो ये बहुत लोग इधर आते होंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब उसमें यही बात है कि यार इको फ्रेंडली जो है ना वो होना चाहिए, ओवरऑल भी उसको जो है ना इनकरेज किया जा रहा है। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया।